नमस्ते। तो आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम फिर से मिले हैं अपने पुराने दोस्त से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई पहले तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है बहुत ही अच्छा होने वाला है। पहले तो आप यमुना जी के दर्शन करो और पीछे है गुरुद्वारा। ला भाई गुरुद्वारा के दर्शन कर लिया। साथ में मंदिर भी है। हाँ मंदिर भी है यहाँ पे। हाँ। किसी और मुझे प्रिया फिर से हम लोग मिले हैं आज। मैं जीजू लास्ट टाइम मिल रहे अब हम। हाँ, क्योंकि कल अब प्रिया कल घर जा रही है वापस अपने हरियाणा और हम लेकिन हम मिलते रहेंगे। हाँ, हाँ हम मिलते रहेंगे। और प्रिया एक जन ने कॉमेंट कर था रोनिका पे, नुका आप डॉक्टर नी और डॉक्टर ओ ना नुका आप मेरे से शादी कर लो और आपका मैं हॉस्पिटल खुलवा दूंगा। अच्छा, हॉस्पिटल बनवा के दे दूंगा मैं आपको। अल्लाह भाई देख ले। चलो इतना सोचा उन्होंने हमारे बारे में, थैंक यू सो मच। बट रोनिका सर जैसे ना ये यमुना आती है ना तो वहाँ बोलते हैं कि वहाँ तक पानी चला जाता है, सच्ची बात है ये? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे काफी ज्यादा हिमाचल में सिरमौर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। अच्छा, तो उस टाइम पे जो है ये जो पानी है ना ये बिल्कुल ऊपर तक चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा। तभी तो हरियाणा में कहीं पानी और पीछे ना चला है, बट अब देखो अब बिल्कुल सूखा पड़ गया है। हिमाचल वाले पानी छोड़ते हैं तभी तो हरियाणा वाले पानी में डूब जाते हैं, नुकसान है उसके? नहीं नहीं देखो नुकसान तो कोई भी किसी का नहीं करना चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि सब अच्छे से रहे। हाँ ये तो चलो जिस हिसाब प्राकृतिक आपदा है जो भी है। अल्लाह भाई प्रियानु का इसमें मछली भी है बहुत बड़ी बड़ी। नहीं मछलियाँ भी नहीं है इसमें, और पहले होती थी छोटी छोटी। देख था ना मछली दिखाऊंगा, था ना मगरमच्छ दिखाऊंगा, देखो पीछा देख कितने बड़े बड़े मगरमच्छ देख गए, देख लो भाई कितने बड़े बड़े मगरमच्छ है पीछे दिखा भाई। और ये भी हमारे साथ छोटू सा, ये देख भाई कन्नू आप कभी भी बात नहीं करता है। और बहुत दिनों के पिज्जा खाए तो आपको क्या खाना है? हाँ वैसे यहाँ पे काफी कुछ मिलता है, ये हंगरी पॉइंट है और ये बाईपास के पास, और यहाँ पे काफी कुछ खाने के लिए आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी और टेस्ट और क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी है। तो कभी भी आओ पांटा में, जो भी यहाँ के लोकल है या कोई बाहर से आ रहा तो ये सबसे बेस्ट है हंगरी पॉइंट, जरूर खा के जाइए और स्वाद के मजे लीजिए हमारी तरह। हाँ। अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। मुझे तो यहाँ पे 3 साल होने वाले हैं पांटा साहिब में। अच्छा। और मैं कभी भी जब भी मेरा मन होता है फास्ट। 3 साल में कितने 1000 रुपए के खा लिए होंगे पिज्जे? ये तो मुझे आइडिया नहीं है। ना भाई कम से कम 50,000 के पिज्जे खा गए होंगे यहाँ पे भाई हंगरी पॉइंट। जब भी मन होता है तो हम यहीं पे आते हैं। ठीक है, मेरी पूरी फैमिली यहीं आती है हंगरी पॉइंट में। अच्छा अच्छा, तो काफी अच्छा है ये। कैसा लगा आपको? लगा तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे पानी नहीं देते पीने के लिए। ओ यार पानी यहाँ ऐसे बोलते हैं अपना लाना पड़ता है घर से। पानी यहाँ पे अपना लाना पड़ता है घर से। तो मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे और प्रिया और जीजू चले गए हैं अपने घर और कल वो जाएंगे वापस हरियाणा। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, एंड आप सब भी बताना कि आपको वो कैसे लगे। वो सच में बहुत ही डाउन टू अर्थ है दोनों के दोनों, और वो बहुत जल्द फिर से आएंगे हिमाचल और कल वो वापिस जाएंगे हरियाणा। एंड मुझे तो बहुत मजा आया, 2-3 बार हम लोग मिले यहाँ पे एंड बहुत मस्ती की हमने, बहुत घूमे फिरे हम साथ में और व्लॉगिंग भी की हमने। तो जो प्रिया का चैनल है वो है प्रिया फैमिली व्लॉग, तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना। एंड मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। एंड अब जाके मैं आई हूँ, अब टाइम हो चुका है, 5 बज गए हैं और थक चुकी हूँ, अब मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।